हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, जैसे कि हमने जो पढ़ा था, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, जो है सिंघनपुर और पहाड़गढ़, ये सब हमने पढ़ लिया था। मित्रों, आज हम थोड़ा से बिरला सरगुन की गुफा, जो तमिलनाडु में स्थित है, और इसके तत्पश्चात थोड़े से राजस्थान में जो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं पाई गई हैं उनके बारे में, और मित्रों जो बिहार क्षेत्र से कुछ प्रागैतिहासिक गुफाएं मिली हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिरला सरगम की गुफाओं की। तो बिरला सरगम की गुफाएँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिरला सरगम। तो मित्रों, अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो बिरला सरगम की गुफा लिख सकते हैं मित्रों, बिरला सरगम की गुफा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। मित्रों, हम लोग इसको जो बिरला सरगम की गुफा है, यह मित्रों तमिलनाडु में स्थित है। अगर यहाँ से जो चित्रों की बात करता हूँ मित्रों, तो यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए हड्डियों के हथियार या औजार मिले हैं। तो मैं चित्रों के बारे में बात करता हूँ मित्रों, इसकी खोज वोज के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मित्रों। तो इसके हम डायरेक्ट चित्रों के बारे में बात करते हैं। तो चित्रों के जो हैं, इसके जो बिरला सरगम के चित्र हैं, तो यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, कहां से मित्रों? बिरला सरगम से। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं नेक्स्ट चित्र की, तो यहां से मित्रों जादू टोना के चिन्ह भी अंकित है। यहां मित्रों जो जादू टोना के जो चित्र हैं, यहां से जादू टोना के चिन्ह मिले हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर जादू टोना के चिन्ह अंकित हैं। यह भी चित्र मित्रों बिरला सरगम से ही मिला है। अगर हम इसके आगे मित्रों बात करते हैं, तो इस गुफा को रंगाई राघव के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं मित्रों, इस गुफा को प्रोफेसर रंगाय राघव के अनुसार नियोलिथिक काल की मानी जाती है मित्रों। नियोलिथिक काल की मानी जाती है मित्रों। एक बार फिर देखते हैं जो बिरला सरगम की गुफा है मित्रों, तो यह मित्रों तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर आदि मानव द्वारा हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, या आदि मानव द्वारा बनाए गए जो हड्डियों के औजार
मिले हैं वह हमको बिगला सरगम की गुफा से मिले हैं मित्रों। और यहाँ पर जादू टोना के चित्र भी अंकित हैं, चिन्ह अंकित हैं। और इसके बाद इस गुफा को प्रोफेसर रंगे राघव के अनुसार नियोलिथिक काल की मानी है मित्रों। तो बिरला सरगम से मित्रों कुछ इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाले थे, इसके जो तत्पश्चात कुछ छूट रहा हो तो आप पुस्तक उठा करके पढ़ लेना। अब इसके बाद मैं कुछ राजस्थानी गुफाओं के बारे में बात करूंगा मित्रों, इसको नोट कर लेना। जो मित्रों राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेडिंग बना करके राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र, तो हम अगर यहां से जो राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं जैसे झालावाड़ा, दरा, भरतपुर और गागरोन, मित्रों जो हम एक एक को लिख रहे हैं, जैसे झालावाड़ा, दरा और भरतपुर और झालावाड़ा, दरा, भरतपुर, इसके बाद जो है एक क्षेत्र और है जो भरतपुर और गागरोन, गागरोन मित्रों ये जो वो क्षेत्र हैं जहां से हमको राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र के या प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमको मिले हैं मित्रों। तो हम इसके तत्पश्चात जो एक क्षेत्र है अलनिया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पॉइंट बना करके कि हाल में ही कोटा नगर नगर हाल में ही कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई रेलवे मार्ग में दिल्ली और मुंबई रेलवे मार्ग में एक स्थान पड़ता मित्रों, जिसको हम लोग कहते हैं अलनिया नदी घाटी। जो अलनिया है, अलनिया नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां से भी चित्र मिले हैं। तो अलनिया क्या लिखा है कि हाल में ही कोटा नगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई रेलवे मार्ग में अलनिया अलनिया नदी घाटी से कुछ शिला श्रेय प्राप्त हुए हैं, श्रेय प्राप्त हुए हैं। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक वहां पर ऐसी गुफा है राजस्थान में जो कोटा नगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर अलनिया घाट नदी घाटी के पास एक गुफा है, उसमें कुछ चित्र हमको देखने के लिए मिले हैं मित्रों। जैसे वहां पर जो चित्र हैं हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली भैंसा, जंगली सांड का शिकार करते हुए दृश्य, तो
हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो चित्र यहाँ से मिले हैं अलनिया घाटी से, जो चित्र अलनिया घाटी से हमको मिले हैं तो वो कौन कौन से चित्र हैं मित्रों, तो हम लोग लिख सकते हैं शेर, भालू, हिरन, हाथी, जंगली जंगली सांड का, जंगली सांड का शिकार दृश्य मिला है। मित्रों एक बार हम फिर से देखते हैं राजस्थान के जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं, तो राजस्थान के जो प्रागैतिहासिक मुख्य क्षेत्र हैं झालावाड़ा, दरा, भरतपुर, गादरून, और राजस्थान में ही एक हाल में ही कोटा नगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई रेलवे मार्ग पर अलनिया नदी घाटी से कुछ शिलास्त्रय प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ अलनिया घाटी से जो चित्र मिले हैं मित्रों, जैसे शेर, भालू, हिरन, हाथी, जंगली सांड का शिकार करते हुए दृश्य मिला है। मित्रों इसका जो अगर हम अलनिया घाटी के जो समय अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन चित्रों का समय लगभग अलनिया घाटी के चित्रों का समय लगभग 5000 ईसा पूर्व था। मित्रों समय 5000 ईसा पूर्व समय माना जाता है। मित्रों राजस्थान से जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र थे कुछ इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ अगर ज्यादा हैं, ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बनने वाले थे मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं थोड़ा से देखता हूं बिहार क्षेत्र। मित्रों इसको नोट कर लेना, जो बिहार क्षेत्र में मित्रों प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हमको प्राप्त हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मित्रों तो हम देखेंगे यहां पर बिहार क्षेत्र, मित्रों अगर हम बिहार क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं अगर हम मित्रों तो यहाँ पर जो बिहार क्षेत्र से गुफा है मिली है, तो जैसे सुदामा गुफा, लोमस गुफा, रामाश्रय गुफा और विश्व झोपड़ी और गोपी गुफा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो बिहार क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर एक जो यहाँ की गुफाएं हैं सुदामा गुफा और नंबर दो सुदामा गुफा और इसके बाद लोमस गुफा इसके बाद लोमस गुफा और रामाश्रय गुफा नेक्स्ट विश्व झोपड़ी गुफा गुफा और नेक्स्ट गोपी गुफा। मित्रों बिहार क्षेत्र से कुछ इतनी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं सुदामा गुफा और लोमस गुफा, रामाश्रय गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और गोपी गुफा। मित्रों राजस्थान से इतनी ही गुफाओं से प्रागैतिहासिक काल के चित्र मित्रों हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो हम आगे जब यहाँ से कुछ आगे बात करते हैं कि भुवनेश्वर से जो उड़ीसा क्षेत्र से गुफाएं मिली हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों जो उड़ीसा क्षेत्र से
इसको नोट कर लेना मित्रों, ये गुफाएं पूछी जाती हैं और इनके बारे में चित्रों का ज्यादा जिक्र नहीं होता, ये गुफाएं पर बिहार क्षेत्र से पूछी जाती हैं। अब मैं थोड़ा से भुवनेश्वर जो क्षेत्र है या जो कह लेते हैं हम उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तो हम लोग लिख सकते हैं भुवनेश्वर या हम लोग सीधा लिखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा क्षेत्र से जो गुफाएं मिली हैं, क्षेत्र तो देखते हैं यहां से भैया कौन कौन सी गुफा मिली है। जैसे नंबर एक उदयगिरी, उदयगिरी, उदयगिरी खंडगिरी, उदयगिरी या खंडगिरी, ये मित्रों एक ही गुफा है, उदयगिरी खंडगिरी गुफा। नेक्स्ट नीलगिरी, नीलगिरी गुफा। यहां से उड़ीसा से मित्रों दो गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, उदयगिरी खंडगिरी और नीलगिरी। कुल यहां पर मित्रों 66 गुफाओं का वर्णन मिलता है, उड़ीसा में 66 गुफाओं का वर्णन मिलता है और चित्रों की दृष्टि से इनको सबसे पुराना माना जाता है। लिख सकते हैं हम लोग यहां पर चित्रों की दृष्टि से सबसे पुराना माना जाता है, जाता है। मित्रों अब हम थोड़ा से बात करते हैं कश्मीर क्षेत्र की, तो कश्मीर में मित्रों एक गुफा है, कश्मीर, कश्मीर क्षेत्र अगर देखते हैं तो यहां पर मित्रों एक गुफा का वर्णन मिलता है जो है अमरनाथ की गुफा। कौन सी गुफा है मित्रों? अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा। यहां से भी प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं मित्रों, यहां से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। तो हम लोग एक बार फिर देखते हैं उड़ीसा क्षेत्र में अगर देखते हैं जो गुफाओं की संख्या है वो लगभग दो गुफाएं इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी या खंडगिरी और एक नीलगिरी गुफा। यहां से कुल 66 गुफाएं हैं, इनको चित्रों की दृष्टि से सबसे पुराना माना जाता है मित्रों। और कश्मीर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो एक गुफा अमरनाथ की गुफा है मित्रों, जो इसे यहां से भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमको मिले हैं। अब मित्रों मैं थोड़ा से अब चर्चा करता हूं दूसरे टॉपिक पर, तो हम लोग अब देखते हैं थोड़ा से प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं, जो वहां की मुख्य विशेषताएं हैं अब उनके बारे में मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा प्रागैतिहासिक काल की प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख विशेषताएं, प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख विशेषताएं। हाँ मित्रों मैं प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करता हूं। तो यहां पर मित्रों प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रण कार्य हुआ है इसको मैं मौखिक ही बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। यहां पर जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो यहां पर चित्रण कार्य किया गया है, यहां पर दो चश्म चेहरे बनाए गए हैं मित्रों प्रागैतिहासिक, यहां पर
प्रश्न उठता है मित्रों कि प्रागैतिहासिक काल में चेहरे किस आकार के बनाए गए हैं, या उनको हम लोग कह सकते हैं कि चेहरे यहाँ पर दो चश्म चेहरे बनाए गए हैं, दो चश्म, दो चश्म चेहरे बनाए गए हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। और मित्रों मैं यहाँ सब चर्चा करता हूँ कि जो यहाँ पर जो चित्रण कार्य हुआ है वो रेखा प्रधान था, तो जो चित्रण कार्य हुआ मित्रों हम लिखने नहीं है, आप इसको थोड़ा सा मौखिक समझ लीजिए मित्रों कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे, मानव के चित्र बनाए गए थे, वो दो चश्म चेहरे बनाए गए थे। और जो प्रागैतिहासिक काल में चित्रण कार्य करने की पद्धति थी उसको हम क्षेपांकन पद्धति कहते थे मित्रों, क्षेपांकन, क्षेपांकन पद्धति। कहते थे मित्रों इसी को मित्रों हम स्टेंसिल पद्धति भी कहते हैं, क्षेपांकन पद्धति या स्टेंसिल पद्धति। और मित्रों जो प्रागैतिहासिक काल में उत्तर पाषाण काल से चित्रकारी करना प्रारंभ हो गया था, और जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विषय था वो मित्रों शिकार करने का था। यहाँ पर अगर हम लिख, अगर प्रश्न बनता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो वह मित्रों आखेटक था। यहाँ पर चित्रों में रंग कैसे भरे गए हैं, तो यहाँ पर सारे रंग भूमिज रंग भरे गए हैं, या हम लोग कह सकते हैं जैसे कि गेरू, रामरज, कोयला आदि रंगों का जो है प्रयोग किया गया है, जो हमको आसानी के साथ प्राप्त हो जाता था। और इन रंगों में जानवरों की चर्बी मिक्स करके रंग को बनाते थे। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल में जो कलर प्लेट होती थी जिसमें हम लोग कलर मिलाते हैं, वह जानवरों के पुट्ठों का प्रयोग करते थे। कलर प्लेट की जगह पर जानवरों के पीछे का भाग, या हम लोग कह सकते हैं पुट्ठों का प्रयोग करते थे। इसके बाद यहाँ पर जो रेखांक, जो चित्रण कार्य हुआ है, जो रेखांकन कार्य हुआ है, वह ज्यामिति आकार में अधिक चित्रण कार्य हुआ है मित्रों। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए हैं वह हिरण के मित्रों बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक अगर चित्रण कार्य हुआ है तो हिरण का हुआ है। और रंग भरने के लिए ये रेशेदार लकड़ी या बांस या नारकुल आदि की तुलिया बनाकर चित्रों में रंग भरने का कार्य करते थे मित्रों। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं। अब मेरे अनुसार प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक समाप्त होता है, तो मैं मित्रों नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा या जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा वह मेरी एकेडमिक क्लास होगी, मैं उसमें आर्ट बनाना सिखाऊंगा और कलर भरना भी सिखाऊंगा मित्रों। तो मैं यह टॉपिक लेकर टीजीटी पीजीटी का टॉपिक लेकर नहीं उपस्थित होऊंगा, बट मैं एकेडमिक क्लास लेकर उपस्थित होऊंगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।